अच्छा एक सेकंड फैजान, बीएसपी कितनी सीटों पर आ रही है? बीएसपी 2007 में जितनी सीट पाई थी उससे भी ज्यादा सीट लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में डिजिट तो बताइए। 2007 में भी हमें कोई डिजिट तो बताइए पूर्ण बहुमत की सरकार बना। पूरा तो आप जानते हैं, राजनीति नंबर गेम है, नंबर बताइए। जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ सबको मैंने जीते, और ऊपर वाले का कर्म देखिए, इनके सपने में भी कृष्ण भगवान जी आके राजनीति की बात करते हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा वो डिसाइड करते हैं। बताइए अब क्या जनता को कितना बेवकूफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी समझ रही है कि सपने में भगवान को भी इस्तेमाल करके डिसाइड कर रहे हैं कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपने लेकिन नंबर नहीं बताया, उनके सपनों में भगवान कृष्ण आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनके मतलब क्या है वो पूरा समझा दीजिए, लेकिन आपके सपने में वो नंबर आया कि नहीं आया बहुमत का वो आप नहीं बता पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं पंजाब का रुख करना चाहती हूँ। वेरका जी से मैं एक कॉमेंट लेना चाहती हूँ, एक सेकंड। वेरका जी, अभी रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि पंजाब में एक और एक 11 है, चन्नी को बता रहे हैं सीएम चेहरा, और नवजोत सिंह सिद्धू को कह रहे हैं कि उन्होंने कमान संभाली हुई है, लेकिन जिस तरह की सिर्फ टबल हुई है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस जैसे तैसे वापसी कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हेल्थी पोजिशन में है, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी, और पहले हमारे पास, हमने 80 का आंकड़ा 117 में से शुरू हुआ है, हम 80 के आंकड़े को पार करेंगे। कैसे करेंगे सर, ये भी तो बताइए, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के बीते 6 महीने में सिर्फ टबल वोटर ने देखी है, वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, कैप्टन अमरिंदर नहीं है इस बार कैप्टन अमरिंदर नहीं है आप लोगों के साथ, कितना बड़ा आपके लिए सेटबैक है? अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके पार्टनर थे, 70,000 कुर्सी लगाई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गवाही में, 700 लोग तो वहां पहुंचे नहीं। अब खेल आदमियों को ये कहेंगे, यही दिक्कत है ना, आप लोगों से पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का बताइए, आप नजर आ रहे हैं, नजर आ रहा है ना सामने, नजर आ रहा है ना सामने, नजर आ रहा है, नजर तो ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, ये नजर नहीं आया आप लोगों को? और किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, वो नहीं दिखा उन्हें? संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल होगा, वो भी तो एक संवैधानिक पद पर ही बैठे हैं, कम से कम इतनी तो उनको भी ख्याल रखने की आवश्यकता है कि नहीं है? ये तो जिम्मेदारी है ना, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम बिल्कुल अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन एक सवाल देश पूछ रहा है कि जब रैली फ्लॉप थी, वहां कोई बंदा ही नहीं था, रैली खत्म हो चुकी हुई थी, तो प्रधानमंत्री किसको एड्रेस करने के लिए जा रहे थे? और उनका प्रोग्राम चोपर की जगह बाई रोड अचानक बना है, और दूसरी एक मैं बात बता दूं, वो एरिया 50 किलोमीटर तक नोटिफाई एरिया है बीएसएफ का, वो बीएसएफ का कोई दोष नहीं है, वो 30 किलोमीटर का एरिया जो था। मनीष तिवारी को समझाइए, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये बात मनीष तिवारी को समझाइए, जो बीजेपी और बाकी लोगों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आलोक जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अमित के पास आना चाहती हूं। अमित, आप मुझे बताइए कि आखिर बीजेपी के बाद सेकंड ऑप्शन समाजवादी पार्टी है, कैसे और क्यों, ये क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी को? देखिए, बीजेपी और आरएसएस और उनके जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी, इनके सामने ये लाल झंडे के लोग, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, एकदम ठीक सीना चौड़ा करके सामने खड़े हैं। वजह यह है, दो वजह हैं, कारोबारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, महिलाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वजह क्या है प्रीति? ये जो हमारी वुमेन पावर लाइन है 1090 एनसीआरबी, और उसके बाद जो यूपी पुलिस का जो डाटा है वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर, अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, छेड़खानी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। यही 1090 था जिसमें 24 घंटे में हमारी महिलाओं को सुरक्षा और हिफाजत के इंतजाम किए गए थे। शायद शाबिया जी की मजबूरी होगी महिलाओं के हक में ना बोलने के लिए, लेकिन इनका जो कानपुर, नहीं मैं बिल्कुल बोलूंगी, आपको मालूम है कि कानपुर का 16,000 स्क्वायर फीट का 16,000 सालाना एक्सपोर्ट था, जो वहां का लेदर इंडस्ट्री था, आज वो इंडस्ट्री टूट कर 4,000 करोड़ पे वो इंडस्ट्री आ गई है। तो पूरा कानपुर का हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमारा ये जो एमएसएमई था वो टूट गया। शादिया जी को तो कोई मतलब नहीं है, मतलब है उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिन्होंने चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे महिलाओं की ताकत हो, चाहे हमने उनको बेटियों को कन्याधन देने की बात की हो। अभी तो आज नया अखिलेश यादव जी ने एक तीसरा संकल्प लिया है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियां हैं जो विदेश में पढ़ना चाहती हैं, समाजवादी सरकार
उन्हें विदेश में भेज के अपने पैसे पे पढ़ाएगी। ये वजह है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार 10 तारीख को बनने जा रही है। और ये लेकिन सुने एक सेकंड शाजी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि सरकार बनेगी अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की, तो कांग्रेस के समर्थन के बिना नहीं बनने जा रही है। नहीं, ये तो जो गठबंधन हमारा इलाकाई पार्टियों के साथ है, समाजवादी पार्टी का जो है, हम लोग मिलके सूबे में सरकार बनाने जा रहे हैं। बाबा मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। आलोक जी, ये कैसे रणदीप सुरजेवाला बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी? देखिए, मुझे लगता है कि नतीजे आने पर पता चलेगा। देश की जनता ने देखा है प्रियंका गांधी जी के सभाओं में अभी किस तरह से महिलाओं और बच्चियों ने जो शिरकत की है, उससे एक अंदाजा लग सकता है। हाथरस से लेकर तमाम मुद्दों पर अगर कोई मुखर होकर खड़ा रहा है, पेगासस से लेकर और राष्ट्रीय मुद्दों पर, तो केवल एक पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। और जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब इस बार 100 के पार जाएगा। आप देखिएगा 117 में 100 के पार जाएंगे। अकाली कहीं पर स्टैंड नहीं करेंगे, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। जहां तक भाषा की आप बात कर रही थी प्रीति जी, बहुत अच्छा विषय लिया। जब देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगे हैं और दूसरे राज्य की मुख्यमंत्री को दीदी यो दीदी कहते कहें, मुझे लगता है चेन्नी जी की भाषा तो मर्यादित भी थी और संसदीय भी थी, उसमें कहीं पर भी कोई गलत शब्द नहीं था। लेकिन इस बार का देखे आपने आलोक जी, मैंने प्रीति जी बिल्कुल ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा आप प्रधानमंत्री के लिए। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को पहले सोचना पड़ेगा कि मैं जिंदा बच के आ गया, वो क्या मर्यादित भाषा थी। सुरक्षा में चूक हुई, इस बात को एक्सेप्ट करने की बजाय आलोक जी, मनीष तिवारी आपके पार्टी के नेता खुद ये बात कह रहे हैं, उसके बावजूद आलोक जी आप मान ही रहे हैं। प्रीति जी, मुझे लगता है ये संवेदनशील विषय है, आपने आप सबको मौका देने बोलने का। आलोक आशा में आ रही हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। एक मिनट भाई, आप आलोक जी जो बहुत ही मैं आलोक जी आप ही के मंत्री हैं, फाइनेंस के मंत्री जी, मनप्रीत बादल वो पंजाब के वित्त मंत्री हैं। अब आपकी बात हो गई तो मैं एक सेकंड आलोक जी को कंप्लीट करने दीजिए, दो मिनट करने, मतलब 30 सेकंड में प्लीज कंप्लीट कीजिए आलोक जी। हाँ, मुझे मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो कल का निर्णय, अगर बीजेपी शांति से उसको सोचेगी बैठकर, तो सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पूरे देश को कि अब ये पॉलिटिकल नौटंकी, पॉलिटिकल ड्रामेबाजी। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आलोक जी, क्या कहा ऐसा? उन्होंने तो यही कहा है कि सेंटर और स्टेट अपने लेवल पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और मंडे को हियरिंग है, इसके अलावा और क्या कहा? फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना ट्राई करेंगे आप। अरे भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट जांच को रोक दे, समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट जांच को रोक दे, वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जुड़े हुए मुद्दे पर, ये तमाचा है केंद्र सरकार के ऊपर। इधर भागते हैं, उधर भागते हैं। अरे अगर इसमें कहीं सच्चाई दिखती होती सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि मैं कमेटी गठित कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट कहता जांच कीजिए। खाते हैं इतनी पैसे बातें करते हैं, मुखी तो केंद्र सरकार खा रही है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार भाग रहे हैं, उधर इन्वेस्टिगेशन को रोक रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है। अच्छा, मैं बोल दीजिए अभी, इसके बाद भी आप कहते हैं कि आप जो है इसमें ये पॉलिटिकल ड्रामा फ्लॉप हो गया, देश की जनता समझ गई। अच्छा, मैं बोल सकती हूँ? ठीक है, दो बातों का जवाब देना है शाजी आपको। एक तो आमिर जमाई ने बोला जी, मैं जानती हूँ नहीं जी मुझे क्या क्या जवाब देना है, मुझे बहुत अच्छी याददाश्त है, एक एक चीज का जवाब दूंगी मैं।